दोस्तों वेलकम बैक बैकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2024 मॉडल बजाज प्लैटिना 100 BS7 रिव्यू और यह है E20 OBD2 BS7 मॉडल। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्टर वाली है, इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर अब हट गया है। अब ये बाइक कितनी सस्ती मिलेगी और बजाज की सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली अब ये सबसे सस्ती प्लैटिना हो गई है। यहाँ पर अब आपका सेल्फ वाला बटन हट गया है स्विच, और इसके अंदर देखेंगे तो सेल्फ का मोटर भी हट गया है। अब ये सेल्फ स्टार्टर नहीं रही, ओनली किक स्टार्टर रही। तो और क्या क्या नया फीचर्स आए हैं इस बाइक में, क्या इसकी न्यू प्राइस हुई है, न्यू अपडेट क्या है, न्यू फीचर्स क्या है, सब आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। व्हाट इज़ न्यू ऑफ इन बजाज प्लैटिना 100 ES, यानी कि ये ES नहीं है, ड्रम है और वो भी है ओनली किक स्टार्टर और E20 वाला मॉडल है। तो सबसे पहले सामने देखेंगे तो यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर LED वाले DRL, 35 वाट 12 वोल्ट हेलोजन बल्ब, इंडिकेटर सेम टू सेम, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा। ये कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही स्टिकर में और ना ही यहाँ से फीचर में। पासिंग बटन अभी भी मिलेगा, हाइलो भी मिलेगा, लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम मिलेगा, मिरर भी आपका, शीशा, हैंडल बार सब कुछ वही। अब मिडगार्ड भी अगर आप देखेंगे तो मिडगार्ड भी काफ़ी गजब का मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा इसके अंदर रिफ्लेक्टर के साथ, 130 mm का ड्रम ब्रेक, 275/17 का ट्यूब वाला टायर, कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ये हो गया एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम वाला। तो मिडगार्ड, टायर, ट्यूब, ये सब कुछ बदलाव नहीं किया, बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है, यानी कि कमियां गिरी नहीं की है बजाज ने। दूसरी बात, इसके मजबूती को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो लेग गार्ड दिया है इसमें भी कोई कमियां गिरी नहीं है, लेग गार्ड भी आपको मिलेगा मजबूती के साथ, सिंगल हॉर्न भी मिल जाएगा, सिंगल चेसी आपका यहाँ पर रहने वाला इंजन वाला। और यहाँ पर देखेंगे तो भाई गियर लीवर जो है वो गजब का आपको मिलता है, नंबर एक का यहाँ पर देखो सिस्टम। 4 गियर की गाड़ी है, बजाज का इंजन है, ये रहा इंजन। अब इसके अंदर सबसे खास बात है ऑटोमेटिक चॉक मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई पेट्रोल को ऑन ऑफ में रिजर्व कर सकते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक कार्बोरेटर मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्शन वाली नहीं है, लो मेंटेनेंस है, कम से कम खर्चे वाली गाड़ी है, 10-15 साल बोलना नहीं पड़ेगा लेने के बाद। माइलेज आपको देगी भाई ये कम से कम 70-75 का रियल माइलेज है, समझ लो आप 70-75 का माइलेज देगी अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाएंगे, 40 के अंदर रहेंगे तो। पर OBD2 प्लैटिना 100 इंजन 99.61 cc का, ये देखिए किक स्टार्टर बजाज, माइलेज बता दिया आपको, 4 गियर हो गया। और यह है भाई सिंगल सिलेंडर OSC एयर कूल इंजन 4 स्ट्रोक बजाज का इंजन है, यहाँ पर इंजन ऑयल भी बताएगा। ब्रेक लीवर दे सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और ये फुटरेस आपका फिक्स रहेगा कि गाड़ी गिरे तो इसी पर टंग जाए, ये फिक्स। आप ऐसा फुटरेस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, इतना लंबा चौड़ा देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो ये मडगार्ड भी इसके अंदर मिलेगा, ये फंडर, ताकि धूल कचरा अंदर ना जाए। अब इसके कंपैरिजन में HF डिलक्स भी आपको नहीं मिलेगी, HF डिलक्स महंगी मिलेगी और HF डिलक्स से भी बेहतर है ये गाड़ी, इसलिए कि इसका सीट आपको इतना लंबा चौड़ा सीट मिलता है, HF डिलक्स में नहीं मिलेगा इतना लंबा चौड़ा। साइड का पैनल आपको इस तरह से मिलेगा, नया ग्राफिक्स और नया स्टिकर अब आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं साइड का पूरा। इतना लंबा चौड़ा फुटेज आपको किसी भी हीरो की गाड़ी में नहीं मिलेगा, ना स्प्लेंडर ना HF डिलक्स में, प्लैटिना 100 वर्स स्प्लेंडर प्लस भी अच्छा है, HF डिलक्स आप कंपेयर करो। ये रहा साइलेंसर, साइलेंसर का मफलर आप देख सकते हैं स्टील वाला, पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक और 3017 का ट्यूब वाला टायर, स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग पर सस्पेंशन, पीछे आप देखेंगे तो 100 कम्फर्टेक मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 2024 प्लैटिना 100 कम्फर्टेक किक स्टार्टर और ओनली किक स्टार्टर है, सेल्फ नहीं मिलेगा अब आपको। ये देखिए ग्रेविल नंबर एक का मिलेगा और डुअल टोन फिनिशिंग के साथ सीट आपको मिलेगी, फुल फाइबर का चेन कवर रहने वाला है। फुटेज देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये रबर भी दिया गया है पैर ना स्लिप करें। सस्पेंशन दोनों सेम है, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है और यहाँ पर साइड पर आपको देख सकते हैं पूरा, ये गाड़ी लंबी चौड़ी रहने वाली है। दूसरी बात है, इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 9.5 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी में। प्लैटिना का यहाँ पर आपको नया ग्राफिक्स, नया स्टिकर मिलेगा, यहाँ पर आप पूरा इस तरह से देख सकते हैं। और ये E20 वाला मॉडल है, फ्यूल टैंक आपका सिंगल पर बढ़िया रहेगा, लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम भी किसी में नहीं है यहाँ पर मिलेगा, पासिंग बटन उसमें नहीं है HF डिलक्स ना स्प्लेंडर में, इसमें आपको मिलेगा। हाइलो बीम टर्न सिग्नल, हॉर्न, हैंडल बार देख सकते हैं, इग्निशन देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड बताएगा आपका, एनालॉग कंसोल और पेट्रोल भी आपका बताएगा। बजाज का यहाँ पर लोगो, या फाइव लाइट, पासिंग, न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर आपका स्पीड हो गया टॉप, और यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी गजब का मिल जाएगा आपको। और सीट बढ़िया लंबी चौड़ी, पीछे का टायर आपको बता दिया, और पीछे की जो तेल लाइट है वो आपको 9 वाट की बल्ब वाली मिल जाती है, इंडिकेटर भी दे सकते हैं, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा, पत्ती दी गई है, टूटे तो चेंज हो जाएगा, हीरो गाड़ी में पूरा बदलना ही पड़ेगा, HF डिलक्स में खाली पत्ती दी गई है बस। ये रही पूरी गाड़ी, ये देखिए आप सामने से भी,
और अब इस गाड़ी की अगर हम कीमत की बात करें तो ओनली ये गाड़ी 77,000 रुपये में पड़ेगी, 77,000 ऑन रोड प्राइस। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। यह बाइक आपको मिलेगी शिवम बजाज कालियावाड़ी गिरी रोड नवसारी गुजरात।